बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक मिट्टी की हंडिया ले ली हमने, उसमें 2 कप के बराबर पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1/2 किलो मैंने लेमन ले लिए, इनके जूस निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो पानी गर्म हो गया, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के बराबर नमक, और बना रहे हैं हम लेमन का शरबत, क्योंकि बाज़ मौसम में लेमन जो है वो मिलता नहीं या महंगा होता है, तो जब सीज़न हो तो आपने लेमन का शरबत रेडी कर लेना है, उसको सेव कर लेना है। और अब इसमें डालेंगे 1/2 किलो चीनी, 1/2 किलो ही पानी, 1/2 किलो चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दस मिनट तक आपने इसको पका लेना है। 10 मिनट के पकाने के बाद इसमें हम डालेंगे लेमन कलर, क्योंकि हम लेमन शिकंजी जो है वो शरबत रेडी कर रहे हैं, तो हम लेमन कलर इसमें डालेंगे चुटकी भर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो कलर मैंने डाल दिया है, तो ये लेमन कलर ऐड कर दिया हमने। अब हम 10 मिनट और इसको पकाएंगे। तो 10 मिनट हो गए और हमारा शरबत हो गया रेडी। अब हम इसमें डालेंगे लेमन। एक हमने स्ट्रेनर लेनी है, छन्नी लेनी है, इसकी मदद से हमने इसको छान लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको छान लेते हैं। पाँच मिनट तक हम इसको मज़ीद पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। तो देसी खाना टिप्स कर ले सब्सक्राइब, ताकि आपके पास देसी वीडियो आती रहें, नई नई टिप्स आती रहें। तो 5 मिनट हुए पूरे और इंतज़ार हुआ ख़त्म, तो तैयार हो गया हमारा लेमन शीरी, लेमन शरबत। तो इसको हम उतार लेते हैं, और ठंडा होने के बाद हम इसको सेविंग बॉटल में डालेंगे। इसके साथ मैं चाहती हूँ इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।